पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम राजघाट रोड टिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। दमोह जिले के देहा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज आंख फोड़वा कांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसका कातिल कोई और नहीं बल्कि छह दोस्त ही निकले हैं। विवाद भी कोई ज्यादा नहीं था। अतुल तिवारी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि उसने आरोपी को मां की गाली दे दी थी। जानकारी के मुताबिक पहले इन लोगों ने साथ में शराब पार्टी की, लेकिन एक दोस्त की मां को गाली देना अतुल की मौत का कारण बना। सभी ने मिलकर अतुल को अलग अलग तीन जगह ले जाकर पीटा, उसे बुरी तरह से घसीटकर पीटा। यही नहीं, उसे जिंदा देख ट्रेन से कटने पटरी पर फेंक दिया था। ऐसी भी खबर है कि जूते की नोक से उसकी आंख फोड़ दी थी। जब तक अतुल अस्पताल पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि खुलासा करते हुए दमोह एसपी डीआर तेनीवार ने कहा कि ना आग फोड़ी गई ना ही कान काटे गए हैं। पीएम रिपोर्ट में आया है कि लात जूतों की पिटाई से मृतक को चोट लगी थी। पुलिस ने हत्या में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिलकर अच्छे ये मित्र हैं आपस में, उन्होंने साथ बैठ कर के आनू के पास एक फार्म हाउस है, वहाँ पर उन्होंने शराब की दी। फिर शाम को साथ साथ आए, फिर शाम को वो जो मंदिर है जो कलारी है वहाँ पर शराब ली और फिर वहाँ पर बैठ के भी पी। इनकी छोटी सी बात पर विवाद हुआ। इसको जो मृतक है अतुल तिवारी, इसने किशन को अपमानजनक मतलब जो गंदी गाली दी है वो उसको बुरी लग गई। उसका कहना है कि मैं ही तुमको दारू पिला रहा हूँ और तुम मेरे को गाली बक रहा है, तो उनके साथियों को बुरी लगी तो उन्होंने मारपीट की। मारपीट करने के बाद चूँकि उनको नशा चढ़ गया था, शराब पी रखी थी, फिर इसको वहाँ से ले जाने के बाद नरसिंह मंदिर के पास जो तिराहा है जहाँ पे को खंडर सा मकान है, जैसे गुड्डा राय का मकान है शायद, उस खंडर के मकान में मारपीट की। वहाँ लगा कि लोग देख रहे होंगे, फिर इसको पकड़ करके बिल्कुल पैदल पैदल दिवाला से होते हुए आपका रेलवे लाइन के किनारे लगे, रेलवे लाइन को पार करें, वहाँ पर उस तरफ मारपीट की और यह घटना को अंजाम दिया। उसके कपड़े पर उतार दिए, उसको घसीटा गया कीचड़ में, वहाँ जो गंदगी पड़ी रहती है उसमें घसीटा गया और उसके बाद में उसे लगा कि ये ट्रैक पर फेंक देते हैं ताकि ये लोग माना जाएगा कि मतलब जो साक्ष्य पाने के लिए ट्रेन से गिरा होगा या ट्रेन से कट जाएगा। लेकिन चूंकि वो शायद थोड़ा होश होश रहा होगा तो पटरी से वो खिसकते हुए दूसरी जगह चला गया, लेकिन चूंकि तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार से चूंकि एक टोटल ब्लाइंड था इसको ट्रेस किया और इस घटना में जो उनकी मॉडल का मतलब मारपीट का जो तरीका रहा है घटना खरीद करने का, इन्होंने कोई हथियार का उपयोग नहीं किया। लेकिन तीन व्यक्तियों के पास जो किशन और ये मोहन है वो तब इन्होंने अपने पास जो बेल्ट है पहनने का, उन बेल्टों से पहले मंदिर गेट में मारपीट की और स्पॉट पर भी इन्होंने बेल्टों से मारपीट की, बेल्टों से जूतों से जो अपने पैर के जूते हैं और लात घूसों से मारपीट की। इसकी वजह से सारी चोटें जो है वो बेल्ट की और जूतों की चोटें हैं। इस प्रकार के कान पे, आँख पे, मुंह पे, शरीर पे जो चोटें हैं वो हैं और कपड़े चूँकि खराब गंदे हुए कपड़े निकाल कर उन फेंक दी। घटना के स्वरूप को बदलने के लिए ट्रेन की पटरी के पास फेंकना बस कपड़े फेंकना ये किया गया और जिस गाड़ी से इसको लाए गए बैठा करके वो गाड़ी भी एक स्कूटी है, एक मोटरसाइकिल है तरह की, प्लस जो बेल्ट है जिससे इन्होंने घटना खारिज की गई वो उससे बरामद की गई। आरोपी के द्वारा पूरी घटना को जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया गया है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता के द्वारा छः इस वर्ष के नवयुवक की हत्या हुई थी, इसलिए समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में भी ये भारी चर्चा का विषय रहा है और यहाँ तक कि कुछ मीडिया बंधुओं ने यहाँ तक लिखा कि कान भी काटे गए और उसकी आँख भी फोड़ी गई। वास्तविकता यह था कि पहले दिन जब हमने घटनास्थल निरीक्षण किया तो डेड बॉडी देखी थी, उससे स्पष्ट था कि न तो कान काटे थे न ही उसकी आँख फोड़ी थी। वास्तव में उसकी कान पर आँखों पर इंजुरी थी, चोटें थी। जो आज स्थिति क्लियर होगी वो इंजुरी कैसे है तो अब क्लियर हो जाएगा कैसे हुई है। चूँकि ये बड़ी महत्वपूर्ण और सनसनीखेज था, समाचार पत्रों में, मीडिया में, आम जनता में भी एक प्रकार का एक सनसनीखेज की स्थिति निर्मित हुई है कि इस प्रकार की योग साथ घटना कैसे घटित हुई है। लेकिन हमारी स्थानीय पुलिस ने
विशेष तौर पर हमने एडिशन एसपी उस केस में साहब को निर्देशित किया है कि अपने सभी मिलकर के इसमें गंभीरता से प्रयास करें और टीम गठित की एडिशन एसपी के मार्गदर्शन में सी एस पी के नेतृत्व में दोनों थाना प्रभारी कोतवाली सत्येंद्र राजपूत और विजय राजपूत जो थाना प्रभारी दमोह देहात इनके नेतृत्व में एक चुनिंदा लोगों की टीम गठित की गई है और सबसे पहले कारणों को पता किया। हमने इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान को सहारा दिया, वैज्ञानिक अनुसंधान में सीसीटीवी फुटेज या अन्य प्रकार की जो साइबर टीम है उसका भी सहारा लिया है और उसके आधार पर क्लियर हो गया है कि कुछ लोगों ने इसमें जो पहले आइडेंटिफाइड नहीं थे बाद में मुखबिर की सूचना के आधार पर वो आइडेंटिफाइड हुए। तो चूंकि ये सनसनी खेज प्रकरण था इसलिए मेरे स्तर पर सबसे पहले मैंने इसमें कि जो पहली सूचना देगा या घटना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा उसको 5,000 का इनाम घोषित किया गया। उसी दिन दूसरे दिन ही मेरे द्वारा प्रातः जो इनाम घोषित किया गया, साथ ही इस प्रकरण को हमने पहले दिन ही चिन्हित कर लिया। सागर टीवी न्यूज के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर, सनशाइन जिम, लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6,000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड, दिल्ली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495 7000483881 8817368143।